नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिदौना गांव में बीती रात गांजा पीने के विवाद को लेकर 48 वर्षीय स्थानीय निवासी ओम प्रकाश को आरोपी ने सीने में गोली मार दी थी। आरोपी श्याम सुंदर बनवासी भी स्थानीय निवासी बताया जा रहा है। घायल ओम प्रकाश को मेहनाजपुर स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, उसके बाद रेफर होने पर गंभीर हालत में उसको वाराणसी में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस सूचना के बाद से ही आरोपी श्याम सुंदर बनवासी की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में बुधवार को तड़के सूचना मिली कि श्याम सुंदर बनवासी मानिकपुर मोड़ के पास मौजूद है। पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर श्याम सुंदर बनवासी को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन श्याम सुंदर बनवासी मौके से पुलिस पर फायर कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने भी धरपकड़ के लिए जोर लगा दिया। बदमाश की फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गिर गया। पुलिस घायल को मेहनाजपुर स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवाल की रिपोर्ट। गांजा पीने की बात में एक गोली मार दी, क्या मामला सर है, क्या देखिए, थाना मेहनाजपुर में एक ओमकार बनवासी नाम के जो व्यक्ति को, उसी के साथ में रहने वाले एक श्याम सुंदर बनवासी के द्वारा कल शाम में 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी गई थी, जिसको तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया। उसके बाद में उनको प्राथमिक चिकित्सा उपचार के बाद में उनको बनारस रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है। और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई थी, उसके बारे में जानकारी मिली थी। हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और सुबह करीब 5 बजे के आसपास में श्याम सुंदर बनवासी है, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। और इस दौरान उनको पैर में गोली भी लगी है और उनके पास से 315 बोर का जो तमंचा है वो भी बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका एक तो कुछ गांजा पीने को लेकर विवाद था, और भी कोई चीज़ों की जानकारी मिली है कि इनका ये कहना था कि जो श्याम सुंदर जो बनवासी है, उनकी जो पत्नी है वो यहाँ रहती है और ये श्याम सुंदर मुंबई में रहते थे, तो इनको ये आशंका थी कि इनके साथ में जो ओमकार बनवासी है उसके साथ में अवैध संबंध है, इसको लेकर भी इनमें आपस में बातचीत हुई थी और इसी दौरान ये घटना हुई थी। इसमें अभी इनको जो श्याम सुंदर बनवासी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसकी हालत स्थिर है। अभी उसको 315 बोर के जो उससे तमंचे से गोली मारी गई थी, जिससे उसको चेस्ट में उसको गोली लगी है, लेकिन अभी वो उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया है। उनको बनारस में एडमिट कराया गया BHU। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।